फ्रेंड्स, मैं रेनू सिंघल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी 9 को बहुत ही सिंपल वे में फिल करना सीखेंगे विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट। मींस अब तक जीएसटी 9 में जो अमेंडमेंट आके अल्टीमेटली जो फाइनल आउटकम बन चुका है जीएसटी 9 का, उसके हिसाब से हम जीएसटी 9 को फिल करना शुरू करेंगे। देखते हैं, इसके लिए मैं आपको लॉग इन करके दिखाती हूँ। ये हमने लॉग इन किया, एनुअल रिटर्न पे गए। स्टार्टिंग से देखते हैं आप निल रिटर्न कब फाइल कर सकते हैं। ये सारी कंडीशन दी है, हेल्प दी है उन्होंने हमारे पास, हेल्प ने बताया है कि आपके कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है एंड ये सब कंडीशन एंड से अटैच है। आपके कोई इनवर्ड सप्लाई भी नहीं है, मीन्स आपने कुछ भी परचेज नहीं किया है, किसी भी तरह के लापरी नहीं है, कोई भी क्लेम ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर नहीं लिया गया ITC का, Not received any order creating demand, कोई भी order ऐसा नहीं आया जिसने demand create किया है, और कोई भी refund नहीं है। Means ये सब add से है, means ऐसे बिल्कुल blank है। आपने कोई भी business नहीं किया है during the year, कोई sale नहीं की है, कोई purchase नहीं की है, किसी भी तरह की कोई transaction नहीं है, कोई refund नहीं लेना है, कोई demand का order नहीं आया, कोई ITC नहीं लेना, सिर्फ उस condition में आप nil के return file कर सकते हैं। इसके बाद हम एनुअल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फिर से एक क्वेश्चन आया, टाइप से आया, फिर से वो आपसे अलर्ट करे, डू यू वांट टू फिल अ निल रिटर्न। इसमें अगेन वही क्वेश्चन है कि कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है, कोई लापटी नहीं है, कोई ITC नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, और कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो अगर इन सबके के आंसर यस है तभी आपके निल रिटर्न है, अदरवाइज आपकी निल रिटर्न नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास ये सारी टेबल्स आ गई है। सबसे पहले हम अपना आउटवर्ड सप्लाई समझते हैं। आउटवर्ड सप्लाई को हमें किस किस कॉलम में टच करना है और कैसे कैसे इसे फिल करना है। आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड हमारी टेबल 4, टेबल 5, टेबल 10, टेबल 11 एंड टेबल 14 है। टेबल 4 में हमारे पास जो टैक्सेबल सप्लाई है जिसपे आप टैक्स लायबिलिटी जनरेट होती है वो आती है। टेबल 5 में वो आउटवर्ड सप्लाई जिसपे आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है वो आती है। टेबल 10 और 11 उससे डील करता है जिसका जो आपने की तो 17-18 में है, पर उसको आपने शो किया है 18-19 में। अब देखते हैं किस तरह से मैनेज करना है। टेबल 4 जैसे कि डिटेल से मैं पता चलता है, डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन व्हिच टैक्सेस इज पेबल। बेसिकली नेम से क्लियर है, डिटेल ऑफ एडवांसेस। इनिशियली आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में ही एडवांसेस में भी हमें जीएसटी लेवी था। देन इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स आरसीएम वाली जिन पे आपको जीएसटी की लायबिलिटी होती है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ट्रांसपोर्ट एंड लीगल फीस। आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए B2C, सबसे पहले हमको शो करना है B2C। B2C में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब कुछ नेट ऑफ था। मीन्स डेबिट क्रेडिट नोट को नेट ऑफ करके हमें जितनी नेट B2C सप्लाई थी वो यहाँ पे शो करनी थी। पर B2B में हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी, हमें उससे रिलेटेड जितने भी डेबिट और क्रेडिट नोट हमने इशू किए हैं उससे रिलेटेड सप्लाई डिक्लेयर थ्रू द अमेंडमेंट, रिड्यूस थ्रू द अमेंडमेंट, ये सब कुछ हमें अलग शो करना था, जिसमें नंबर ऑफ बिजनेसमैन इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो उस चीज को ईज करके उन्होंने B2B में भी वही प्रोविजन एप्लीकेबल कर दिए जो B2C में थे। मींस B2B भी आप नेट ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जो भी अमेंडमेंट्स किए हैं उसको आप शो कर सकते हैं। मींस जिस तरह से B2C में नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट एंड अमेंडमेंट शो करना था, उसी तरह B2B में भी आप इसी तरह से शो कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास इसके अंदर सिमिलरली CDE, इन तीनों को भी हम नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट और अमेंडमेंट के शो कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर F, एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बट इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड। इनिशियली जो एडवांसेस आपने इशू किए थे, एडवांसेस जो रिसीव किए थे उस पे GST लेवेबल था, उसके अगेंस्ट अगर जब हम इनवॉइसेस इशू कर रहे थे तो जीएसटी हमें दोबारा लेवी नहीं करना था, हम दोनों को आपस में नॉक ऑफ करना था। पर अगर ऐसे एडवांसेस जो 31 मार्च 2018 तक एडजस्ट नहीं हुए हैं वो हमें यहाँ शो करने होंगे। देन इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस,
वो हमें अलग से शो करना होगा. तो आई थिंक अब टेबल 4 जो है हमारी बहुत कंफर्टेबल हो गई. B2C नेट, B2B नेट, जीरो रेटेड नेट, SEZ नेट, डीम एक्सपोर्ट नेट, एडवांसेस कोई रहेगा जिनके अगेंस्ट इनवॉइसेस नहीं इशू हुए वो, एंड इनवर्स सप्लाई मीन्स RCM जिसपे आपने RCM की लायबिलिटी पे की है. अब टेबल 4 में सेकेंड इशू आता है कि यहाँ पर सेल हमें GSTR 1 के अकॉर्डिंगली दिखानी है, GSTR 3B के अकॉर्डिंगली दिखानी है. तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टेबल 4 है एक्चुअल सेल जाएगी. एक्चुअल सेल को किस तरह से डील करना है इससे रिलेटेड मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ आउटवर्ड सप्लाई को लेके. टेबल 4, 5, 10, 11 और 1409 को आपको इस सब चीजों में कैसे डील करना है अभी हम सिंपल केसेस देख रहे हैं जहां पर हमारे पास फिगर्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं है. सिर्फ हम देख रहे हैं कि इसको कैसे फिल किया जाएगा. देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज टेबल 5. टेबल 5 में जैसे कि मैंने बिगनिंग में शो की आपसे डिस्कस किया था कि डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल. यहाँ पे आपकी टैक्स जो आउटवर्ड सप्लाई जिन पे आपको टैक्स नहीं पे करना है वो वाली डिक्लेयर करनी है. जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाईज ऑन विच टैक्स टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. मींस अगर अब आप ट्रांसपोर्टर है या रजिस्टर्ड लॉयर है अब आपकी जो सप्लाई है उस पे सामने वाले को पेमेंट करनी है RCM पे तो आपकी वो सप्लाई. देन जो मेजर इश्यू था इंडस्ट्री में वो क्या था, एग्जेम मिल एंड नॉन GST सप्लाई में बायफिकेशन नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ रिलैक्स कर दिए. अगर आप इन तीनों की बायफिकेशन नहीं कर सकते तो सिंपल आप एग्जेम में एक टोटल फिगर डाल सकते हैं और इन सब में भी रिलैक्सेशन आ गया. इन सबको आप नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट एंड अमेंडमेंट के शो कर सकते हैं अगर आप HIJK को सेपरेट शो नहीं कर सकते. फिर इन दोनों सप्लाईज का टेबल 4 और टेबल 5 का ऐड हो जाएगा यहाँ पर. पर इसमें से आप देखिए 4G लेस कर दिया. 4G क्या था हमारे पास, इनवर्स सप्लाईज जिसपे हम RCM में पे कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो हमारे टर्नओवर का पार्ट नहीं है. अब टेबल 6 पे जाने से पहले हम टेबल 10 और 11 को देखते हैं. टेबल 10 डिटेल ऑफ प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था अगर आपने 17-18 की कोई भी ट्रांजेक्शन 18-19 में हिट की है तो वो यहाँ पर आएगी. 10th में आपने जितने भी डेबिट नोट के थ्रू अमेंडमेंट्स किए और 11 में जितने भी अमेंडमेंट्स आपने क्रेडिट नोट के थ्रू किए वो आएंगे. फिर ये टोटल बनेगा आपका 5N क्या था, टेबल 4 का सम एंड टेबल 5 का सम. वहां पे हमने क्या एक्सक्लूड कर दिया था, RCM. टेबल 10 ऐड कर देगी हमारी सप्लाईज को और टेबल 11 उसको लेस कर देगी. तो ये हमारी है टेबल 10 एंड टेबल 11. नाउ टेबल 14 टच होगा अगर हमारे पास 10 और 11 में कुछ आता है तो. टेबल 14 अगर उस रीजन से टेबल 10 और 11 के रीजन से हमारे कोई टैक्सेबल लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वहां यहाँ पेबल और पेड दोनों आ जाएगा क्योंकि आप 18-19 में उसे पे कर चुके होंगे तो आप यहाँ शो कर देंगे. ये हुआ हमारा आउटपुट सप्लाई. नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे ITC से रिलेटेड. टेबल 6, 7, 8 हमारे ITC से रिलेटेड है. टेबल 6 में जो हमारा 3B से आया डेटा वो आएगा. टेबल 8 में जो हमारे सप्लायर ने डेटा फिल किया है वो आएगा और साथ के साथ हम इन दोनों को रिकनसाइल भी करेंगे. फिर टेबल 7 जो है इसमें मेरा एक अलग से वीडियो है जिसके अंदर हमें रिवर्सल किस तरह से ये सब पॉइंट क्या है पर फिर भी मैं भी आपको ब्रीफ में डिस्कस कर लेती हूँ. पहले चलते हैं हम टेबल नंबर 6 में. टेबल नंबर 6 हमारे पास आती है GSTR 3B से. देखिए यहाँ पे लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड थ्रू GSTR 3B. यहाँ पे हमारा टोटल सम आ जाएगा. अब हमारे पास देखिए क्या क्या बता रहा है वो, इनवर्स सप्लाईज इसकी बायफिकेशन देनी है हमारे पास. इनवर्स सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको पता है 9-4 हमारे पास कुछ टाइम तक एप्लीकेबल था. देन 9-3 फिर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. इन तीनों इन B, C, D और E में ये जो बायफिकेशन थी इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, इनपुट कैपिटल गुड एंड इनपुट सर्विसेज, इसको बायफिकेशन स्टार्टिंग से लोगों ने नहीं की. अकाउंटिंग इस तरह से मैनेज नहीं थी तो इनको इन तीनों फिगर्स में डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो इसमें हमें रिलैक्स कर दिया गया है. हम इन तीनों फिगर्स के प्लेस पे अगर हम बायफिकेशन नहीं दे सकते हैं तो सारी फिगर हम इनपुट में डाल सकते हैं. सिमिलरली सी में, सिमिलरली डी में एंड सिमिलरली ई में. बाकी हमारे पास सिंपल है. इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज सर्विसेज ही है.
ITC received from ISD, simple है, मेरे पास सिंपल है, हमें उसको फिगर दे देनी है. अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम जो 180 डेज के बाद जब आप दोबारा क्लेम करते हैं वो वाला पॉइंट हमारे यहाँ पास दोबारा आ जाएगा हमारे पास. सब टोटल ऑफ बी टू एच, ये सारा टोटल हमारा जितना 3B में है उससे मैच होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारे पास टेबल 7. टेबल 7 हमको बताती है कि डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनएलिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर. रूल 37, 39, 42, 43 के अकॉर्डिंगली आपने जो रिवर्सल किया है फाइनेंशियल ईयर में वो यहाँ पर आ जाएगा. एज पर सेक्शन 75 जो आपके ब्लॉक क्रेडिट वाले थे उससे रिलेटेड है. अब ए बी सी डी ई मीन्स 37, 39, 42, 43 रूल्स और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंगली जो भी आपके रिवर्सल या इनएलिजिबल थे अगर आपने उसे बाइफिकेट नहीं किया हुआ है तो हमें रिलैक्सेशन दे दिया गया है कि हम उसको पॉइंट नंबर एच में शो कर सकते हैं. पर ट्रैन 1 और ट्रैन 2 के अकॉर्डिंगली कोई रिवर्सल हुआ है तो उसको शो सेपरेटली करना अभी भी कंपलसरी है. तो यहाँ पे देखिए ये आईटीसी अवेलेबल आ जाएगा यूटिलाइजेशन 60-7i मीन जितना आपने अवेल किया और जितना उसमें से रिवर्सल है वो नेट आपका ही आ जाएगा. इसको आपको ध्यान से डील करना है. ये नेट आईटीसी में प्रॉब्लम आती है. ये नेट आईटीसी वो होना चाहिए जो आपने अवेल किया है. ठीक है, तो मीन्स वहां पे ग्रॉस आएगा टेबल 6 में और यहाँ पर आएगा 7. तो इस रीजन से क्योंकि इस तरह से लोगों ने अपनी अकाउंटिंग और 3B फाइल नहीं की तो जनरली सब लोगों का ये वाली फिगर MTR ये मिल आ रही है. नेक्स्ट चलते हैं. अब हम नेक्स्ट है हमारी टेबल 8. टेबल 8 हमारी 2A से उठकर आ रही है. इससे रिलेटेड कोई भी आपको इश्यूज है मैं इस पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ. स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. तो यहाँ पर है आईटीसी एज पर 2A और ये हमारा 6 से टोटल होकर आ गया जो हमने 3B में क्लेम किए थे. फिर इसमें से ये दोनों फिगर हमारी मैच करनी चाहिए. पर अगर सब कुछ सही है, आपने सबको ठीक से मैनेज किया हुआ है नॉर्मल केस में, अब आपने 17-18 में कोई आईटीसी लेना भूल गए थे वो 18-19 में क्लेम किया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा. इसके बाद आइडली स्पीकिंग कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. अगर वो डिफरेंस है तो आप उसको बता देंगे कि वो आईटीसी आपके पास था तो पर आपने अवेल नहीं किया है या आईटीसी अवेलेबल है बट वो इनएलिजिबल है. इस तरह से ये सिंपल फिगर आपके यहाँ पर आ जाएगी. इसके अंदर इसके एक चेंज था कि हम अगर इसको फिल करने में प्रॉब्लम है तो इसको हम बाद में 9C के साथ इसको PDF फॉर्म में भी सेल्फ अटेस्ट करके, हमें CA के साइन नहीं चाहिए, सेल्फ अटेस्ट करके हम वहां पे से PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, हमारे पास 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गए, 11 हो गए. अब हमने कवर कर लिया 6, 7, 8. अब बचा है हमारे पास 12 एंड 13. 12 एंड 13 में हमारे पास रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. मींस अगर आपने पिछले साल का कोई आईटीसी अब रिवर्स किया है तो यहाँ आ जाएगा और आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस ईयर, अगर आपने पिछले साल का आईटीसी इस साल 18-19 में अवेल किया है तो इसको आपने 13 में शो कर देना है. नेक्स्ट है फिर हमारे पास टेबल 9. टेबल 9 में आ जाएगा जितना आईटीसी पेबल है, सॉरी जितने आपकी टैक्स लायबिलिटी है और उसने आपको आपने उसको किस तरह से पे किया है, कैश से पे किया है या आईटीसी के थ्रू है, ये सब आउट ऑफ फील्ड फिगर है जिसमें से सिर्फ टैक्स पेबल की फिगर आपकी एडिटेबल है, उसे आप चेंज कर सकते हैं. देन इसके बाद कि ऑलमोस्ट सभी टेबल आपकी ऑप्शनल कर दी गई है 15, 16, 17, 18. 15 अगर आपका कोई डिमांड रिफंड से रिलेटेड कोई केस है पर स्टिल आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो आप इसे छोड़ सकते हैं. सिमिलरली कंपोजिशन टैक्स पे डिमांड डीम सप्लाई ये सब नहीं आपके पास डिटेल है आप इसको स्किप कर सकते हैं. HSN समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आप स्किप कर सकते हैं. HSN समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई भी आप स्किप कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स ये बहुत ईजी हो चुकी है अब GSTR 9 को फाइल करना. बहुत सिंपल अकाउंटिंग के साथ आप कर सकते हैं. अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देनी है. अब बहुत कम टाइम पीरियड रह गया है और मेरा पर्सनली मानना है कि अपडेट एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए. जबकि बहुत लोग कह रहे हैं कि पोर्टल में बहुत इश्यू आ रहे हैं, वो रिटर्न फाइल नहीं हो रही है और जनवरी में हमारे पास बहुत सारा वर्कलोड है, वर्कलोड कभी खत्म नहीं होता. तो अगर आपका डेटा प्रिपेयर है तो प्लीज अब इस
को GSTR 9 को फिनिश कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम और हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करेगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।